हेलो हाय पुरुनेश यार। कुछ दिनों पहले मैंने अपना पीसी अपग्रेड किया। इसके दो रीजंस थे क्यों मैंने किया। अच्छे प्राइस में मिल रहा था, 25,000 रुपये का 3700X पड़ा था। बहुत सही डील लगी मुझे। XPG GAMX D30 3200 MHz रैम। फाइनली एक अच्छा सा मदरबोर्ड ले लिया, B550 ऑरस प्रो, जो कि कूपन और डिस्काउंट लगा के 13,000 के अराउंड का पड़ा था मुझे। 5000 सीरीज़ का जो CPU है, जो 8 कोर का जो मुझे मॉडल मिलेगा, वो उसमें आप देख सकते हो कि इसकी TDP है 105 वाट्स की। ये महंगा भी है, 10,000 ज़्यादा पड़ेगा फालतू में। वहाँ आप दूसरा कंपेयर करो 3700X को, इसमें 8 कोर का CPU, TDP आपको मिलेगी 65 वाट की, जो कि प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से सही CPU है। अब रैम के बारे में बताता हूँ। मैंने ली है XPG की, जो कि गीगा बोर्ड के मदरबोर्ड्स के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल है। जैसे इनके साइट में मेंशन करा हुआ है इन्होंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सर्च करके लिया एकदम। बाकी इस मदरबोर्ड का मैं आपको बताता हूँ इसके साथ क्या मिलता है। केबल मैनेजमेंट बैंड्स मिलते हैं ऑरस लोगो वाले, 4 SATA केबल्स मिलती हैं, एक DVD मिलता है जिसको कूड़े में फेंकना होता है, और इसके साथ मिलते हैं स्टिकर्स, बहुत सारे स्टिकर्स। इन स्टिकर्स को मैंने कैबिनेट में लगाए हैं। बात फटाफट PC के पार्ट्स लगा के दिखा देता हूँ। CPU RAM से गेम्स में काफ़ी डिफरेंस आया, 8-10 FPS का डिफरेंस आया था। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये। बाकी PC और गेमिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। कुछ अगर पूछना है, कुछ सजेशन देने हैं तो कमेंट्स करो। ठीक है फिर, बाय। नो 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 नो।